तो आज हमने बनाए थे बेसन आलू के रोल की बहुत लाजवाब सब्जी। आपने अगर गट्टे की सब्जी खाई है तो उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा, और एक बार बना के जरूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं, बनाते हैं बेसन आलू और पनीर डाल के बढ़िया से रोल की सब्जी, एक छोटे से इंट्रो के बाद। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आलू बेसन की सब्जी बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, तो उसको सीधा डालते हैं ग्राइंडर के अंदर पीसेस करके, और एक डाल रहा हूँ मैं इसमें हरी मिर्च अपने हिसाब से तीखा कम बढ़ती करते हैं, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, और उसको हमें पेस्ट बनाना है। तो पहले इसको हम पल्स मोड में पीस लेते हैं कुछ सेकेंड, उसके बाद फिर इसको मीडियम स्पीड पे पीसेंगे। आलू को हमने पीस लिया है एकदम फाइन, और बिल्कुल भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करा, क्योंकि आलू गंदा अपना ही पानी होता है। तो बाकी की तैयारी करते हैं फटाफट से। देखिए मैंने एक परात, परात में ये डाल देते हैं आलू का जो बैटर हमने पीसा है, आधा छोटी चम्मच मैंने अजवाइन ली है, क्रश करके डालेंगे, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसके अंदर। और थोड़ी सी आलू कसूरी मेथी, थोड़ा सा मैं डाल रहा हूँ 1/4 हल्दी, 1/4 ही लाल मिर्च पाउडर, 1/4 डाल रहा हूँ हींग, और मैंने 1.5 कप बेसन लिया फिलहाल। अभी डालते हैं स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और ऐड कर रहा हूँ देसी घी 2 छोटे चम्मच, बहुत बढ़िया फ्लेवर होता है, यानी इससे मोन अच्छा सा लगता है। और थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं धनिया, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और इसको एक डो लगाते हैं। डेढ़ कप मैंने पहले बेसन डाला था, जिससे ये अभी ढीला है, वो जान के डाला था जिससे ये अच्छी तरह से गूंद जाए, तो आधा कप मैं बेसन और डाल रहा हूँ, उसका एक बढ़िया सा डो लगा लेते हैं। अगर थोड़ा लूज रहता तो थोड़ा सा बेसन और हम ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब ये थोड़ा सा हाथ में चिपक रहा है, तो उसको मैं इसके मदद से इकट्ठा कर रहा हूँ, और अपने हाथ बिल्कुल साफ करेंगे जो चिपके नहीं हाथ में, और फिर थोड़ा सा तेल लगा के इसको समेटेंगे। डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने, और उसको हैंडल करेंगे आराम से। सही है चिपके नहीं, और उसका एक बढ़िया सा डो लगाते हैं, और उसको रेस्ट करने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक। मैं इसको सेट करता हूँ फटाफट, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। हमारा अच्छी तरह से डो लग चुका है, उसको कवर कर देते हैं और रेस्ट करने देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट, बाकी की तैयारी करते हैं हम फटाफट। गैस पे रखी मैंने एक कढ़ाई, डालते हैं इसमें हम सरसों का तेल, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में डाल सकते हो, यानी कि जो पीनट्स ऑयल होता है मूंगफली का तेल उसमें भी बना सकते हो, उसमें भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। मैं सरसों का तेल यूज कर रहा हूँ, गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से, साथ में डालते हैं थोड़ा सा नमक, जिससे जो सरसों का तेल का कच्चापन है, एक तीखी सी स्मेल होती है, वो निकल जाएगी इससे।
डालते हैं एक छोटा चम्मच जीरा, कुछ खड़े मसाले लिए मैंने, आधी छोटी मोटी इलायची ली है, एक छोटी इलायची ली है जिसका मुंह खोल दिया मैंने, 2 से 3 लौंग ली है, एक तेज पत्ता लिया है तोड़ के मैंने, सूखी लाल मिर्च ली है, और थोड़ी सी डालता हूँ मैं आधा छोटा चम्मच सौंफ, सूखे मसाले को अच्छी तरह से हम क्रैकर करेंगे जिससे सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। ऐड करते हैं 2 मीडियम साइज के प्याज है जो मैंने फाइन चॉप करे हैं चॉपर में, जो लोग गार्लिक पसंद करते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं डाला है मैंने। प्याज को अच्छी तरह से हम गोल्डन करेंगे, तो प्याज गोल्डन हो रहा है तो एक मसाला तैयार कर लेता हूँ। 2 चम्मच मैंने दही ली है, उसमें डालते हैं गरम मसाला और मेथी यानी कसूरी मेथी, फिलहाल यही इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं, बाकी मसाले हम अपने प्याज वगैरह में ऐड कर देंगे। प्याज हमारे लाल हो गए हैं तो डालते हैं कुछ मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 कुटवी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चम्मच से थोड़ा सा कम मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, और 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाला है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। डालते हैं थोड़ा सा पानी जिससे हमारा मसाला जले नहीं, या बढ़िया रंगत आएगी ऐसे मसाले की इसकी। ऐड करते हैं 3 टमाटर की प्यूरी है ये फ्रेश, इसमें 2 मैंने हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक डाल के पीसा है इसे, ये भी कर देते हैं ऐड इसमें, और साथ में डाल देते हैं नमक, ये टमाटर गया तो नमक भी चाहिए जल्दी से पकाने के लिए। आंच कर देते हैं मीडियम, उसको कवर कर देते हैं जब तक ये टमाटर अपना पक नहीं जाते और तेल छोड़ दे देते हैं, और बाकी की तैयारी करते हैं फटाफट। ऐसे मैंने सरफेस पे ये लिया है, आप चाहे तो चकला भी ले सकते हो अगर बड़ा है तो, थोड़ा सा इस पे ऑयल डालेंगे हम, अच्छी तरह से फैला लेते हैं, मैं साफ कर चुका हूँ उसको अच्छी तरह से, कोई डस्ट नहीं है इस पे, और जो हमने इसका पेड़ा लिया था उसको हमने इस पे रख के बेलना है, ना ज्यादा मोटा हो ना ज्यादा पतला हो, इसे चिपकेगा नहीं, इससे आराम से निकल जाएगा। इस तरह से हमने बेल लिया इसको, और मैं इसको इस तरह से सीधा सीधा काट लेता हूँ, इसको हम दोबारा बेल लेंगे बाद में। कॉर्नर इसका हेड को थोड़ा सा मोटा है, इसका थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ इसलिए मैंने इसको काटा है। और इसकी इस तरह से स्ट्रिप काटेंगे, फालतू की हटा देते हैं, और ये मैंने पनीर लिया है ये इस पे भी ग्रेट करूंगा मैं, ये ऑप्शनल है, वैसे आप भरोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका मैं रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप कोई और भी स्टफिंग चाहो भरना चाहो तो भर सकते हो। तो मैं इस तरह से भर लिया मैंने अच्छी तरह से, उसको हमने रोल करना आराम से हल्के हाथों से, बिल्कुल हमने नीचे जो तेल लगाया उससे आराम से ये उतर जाएंगे, रोल हमारा तैयार हो जाएगा, इससे ज्यादा मोटे हमें रोल नहीं बनाने हैं, तो मैं सभी ऐसे रोल बना लेता हूँ। सभी रोल हमारे रेडी हो गए हैं, चलते हैं गैस की साइड और अपने ग्रेवी की तैयारी करते हैं। चेक करते हैं मसाला एकदम हमारा बढ़िया सा तेल छोड़ चुका है, आज मैंने बिल्कुल हल्की करी है अभी,
जो हमने दही का और गरम मसाला कसूरी मिर्च डाल के पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। लगातार चलाएंगे एक ही सेट में। आज हमने हल्की रखी है, एक दो मिनट तक और पकाएंगे जिससे जो हमने दही डाली है उसका कच्चापन चला जाए और अपना दही भी अपना तेल छोड़ दे। साथ में ऐड कर देते हैं हिंग का पानी। बेसन की सब्जी वगैरह इस तरह की सब्जी के अंदर हिंग का पानी, हिंग का बहुत बढ़िया स्वाद आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, बढ़िया से भुन गया है मसाला। जितना अच्छा मसाला भुनेगा उतना ही बढ़िया सब्जी का फ्लेवर आएगा। ऐड करते हैं इसमें गर्म पानी, लगभग मैंने 1.5 कप के करीब पानी डाला है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी की रंगत देखिए कितनी बढ़िया आई है, अभी अभी पकेगी तो और अच्छी हो जाएगी। साथ में मैंने रखा है स्टीमर की जाली, जो हमने रोल बनाए थे वो स्टीम करेंगे, एक साथ ही हो जाएंगे। जो कढ़ाई है मेरी इसी जाली वाली है और मैं जो जाली में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था जिससे ये चिपकेंगे नहीं। अभी मैंने आज फुली करी हुई है, कम से कम इसको 10 से 12 मिनट हमने स्टीम करना है, ये अच्छे तरह से फूल जाएंगे। और जो हमने स्टफिंग भरी है ना पनीर की, उसकी वजह से ये अंदर तक स्टीम हो जाएंगे। कवर कर देते हैं और आंच को कर देते हैं मीडियम। चेक करते हैं, बहुत बढ़िया से ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इसको निकाल लेते हैं। लेयरिंग देखिए कितने अंदर तक खुल चुकी है ये। ग्रेवी भी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्या बढ़िया रंगत आई है। और इसमें ऐड कर लेते हैं अपने बेसन वाले रोल। और कवर करके 5 से 8 मिनट तक बिल्कुल स्लो कर रही हुई है मैंने गैस फ्लेम, जो इसकी बिल्कुल स्लो है उसमें हम पकाएंगे कम से कम 5 से 8 मिनट तक। और चेक करते हैं, 5 से 8 मिनट हो गए हैं हमारी सब्जी को पकते हुए, क्या बढ़िया रंगत आ गई है और बढ़िया से हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है और जो रोल है एकदम रेडी है सर्व के लिए। तो मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और साथ में ऐड करेंगे इसके ऊपर कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर और बढ़िया निखर के आएगा। और साथ में फ्रेश धनिया डालते हैं खूब सारा। लीजिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है सर्व के लिए, तो आइए सब सर्व करते हैं। सर्व के लिए रेडी हो गए हमारे बेसन आलू के रोल, क्या लाजवाब उसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है। आई होप आपको मेरे बनाए हुए आलू बेसन के ये रोल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।